वीडियो देख लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी पूछनी है, कोई भी डेफिनेशन और अच्छे से समझनी है, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है व्हाट्सएप नंबर, आप मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई। ठीक है, सी द लेक्चर। हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिज़िक्स के चैप्टर के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ फिज़िक्स का 12th चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो जहाँ तक मैंने दो बच्चों से बात की, उन्होंने यही बोला कि इलेक्ट्रिसिटी वो चैप्टर जो स्टार्ट हो गया था उनके स्कूल में, अगर जो जा रहे थे, और जिनके नहीं जा रहे थे तो अलग बात है, क्योंकि अब तो जानते ही लॉकडाउन है, और शायद बढ़े या शायद ना बढ़े, जैसा भी हो अच्छा ही हो, जल्द ना बढ़े तो बेहतर है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि आपने इससे पहले कुछ इतना अच्छा नहीं पढ़ा था, मतलब पढ़ा था लेकिन काफ़ी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा था ना, फॉर्मूलेज और या इसके बारे में डीपली नहीं पढ़ा था। तो इस पहले क्वेश्चन यही आता है, क्वेश्चन क्या आता है, पहले हम यही बात कर लेते हैं चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो चैप्टर देखिए, पहले तो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड नहीं है, चार या तीन पार्ट में डिवाइडेड। बेसिकली आप जो भी पढ़ेंगे, मैंने बता दिया है आपको कि एनसीईआरटी में आपको सिर्फ तीन से चार पार्ट में ही आपको चीज़ें मिलेंगी, मैक्सिमम चार जाती हैं, जैसे लाइव प्रोसेस चार पार्ट में डिवाइडेड, बट जनरली जैसे ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी दिस इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। पहले तो आप बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, ज़्यादातर में बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, लाइक करंट क्या होता है, ठीक है, करंट क्या है, फिर वोल्टेज क्या है, फिर रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, फिर ओम्स लॉ क्या है, ये चार चीज़ें डेफिनेशन, सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। देन फिर आएगा कि जो आपका रेजिस्टेंस में है उसमें दो टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, सिस्टम होते हैं, डेट इज़ पैरेलल सिस्टम एंड अनदर वन इज़ पैरेलल, तो आप जानते हैं, एंड देन अनदर वन इज़ सीरीज़, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बेनिफिट पढ़ेंगे कि क्यों सीरीज़ घर में यूज़ नहीं किया जाता, पैरेलल क्यों यूज़ किया जाता है, सीरीज़ का क्या कुछ काम होता है क्या, या सीरीज़ में बुराई क्या है, ये सब बात करेंगे, ठीक है, और बेसिकली इसी के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग इस पर आ जाते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि इसके बाद जो दूसरा चैप्टर पढ़ता है आपका इसी चैप्टर के बाद, दैट इज़ कॉल्ड एज हीट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट है, करंट के कई सारे इफेक्ट होते हैं, तो उसमें से एक इफेक्ट यही है कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। और फिर हम लोग लास्ट में पावर पढ़ेंगे। तो बेसिकली माना जाए तो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स, ओके, फर्स्ट इज बेसिक डेफिनेशन, सेकंड इज अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, एंड द थर्ड इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड पावर। ज़्यादातर सब फॉर्मूले बेस्ड होंगी चीज़ें, और थियोरेटिकल कम चीज़ें हैं, थियोरेटिकल भी हैं, बट आपको फॉर्मूले मिनिमम चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे मैं बताता हूँ उसको फॉलो करते जाइएगा। कोई भी क्वेरी हो तुरंत पूछिए, हमको तो लगता है क्वेरी ही नहीं है, सब बहुत समझदार बच्चे हैं, सबको समझ आ जाता है, अच्छी बात है अगर समझ आ रहा है तो। तो मैं बात तो यहीं से करूँगा, पहला क्वेश्चन यही बनता है, देखिए चैप्टर जब भी आप कोई भी पढ़ें तो आपके बेसिक आपको नीड होनी चाहिए कि आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर मिल जाए अंत में। तो आपको क्वेश्चन के क्या मिलेंगे आंसर, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फिर हाउ इन इलेक्ट्रिक सर्किट इट फ्लोस, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो कैसे करती है, फ्लो कैसा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और फिर क्या फैक्टर हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स जो रेगुलेट करेगा इन सब चीज़ों को, ठीक है, कि कहीं करंट ज़्यादा हो रहा है, कहीं करंट कम हो रहा है, कुछ भी है, मतलब करंट और इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज़ ध्यान रखिएगा। देन वी विल टॉक अबाउट एट लास्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स अप्लीकेशन, अप्लीकेशन बहुत हैं भाई, प्रेस है, बहुत सारी अप्लीकेशन है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ये जब आप चैप्टर खत्म कर लीजिए जाएंगे तो आपको इन चीज़ों का आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टार्टिंग करते हैं, तो आप पहले बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी आप इंजन जलने जाते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज, एंड दैट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन, सो फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज रेट विल बी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव होता है ना, हाँ है ना, नेगेटिव होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, एक डायरेक्शन में होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफरेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफरेंट, इलेक्ट्रिसिटी इज डिफरेंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो फ्लो होती है इसी में, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक है, तो एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में यही लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ इंपॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी, एक्सक्यूज मी, इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वैरायटी ऑफ यूजेज इन होम्स, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री एंड सो ऑन, ठीक है, कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये, ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक मिनट, हाँ, बुक्स मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए बुक की रीडिंग की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, आपको लगे कि मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ तो दैट इज़ रॉन्ग, तो शायद आपकी थिंकिंग सही हो, बट बुक से पढ़ने से आपको इंपॉर्टेंट पड़ता चलता है, क्योंकि मैं पढ़ा कहाँ से रहा हूँ, ये कोई भी टीचर कहाँ से पढ़ाएगा, हवा से तो पढ़ाएगा नहीं, बुक से ही पढ़ाएगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बुक कहाँ है, मेरी बातें तो यहाँ ही हैं, ठीक है, दिस इज़ इन देयर जो मैंने लिखा है, बट जो बुक ने लिखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी आप जानते हैं टॉप जो भी टॉप टैलेंटेड लोग होते हैं, टैलेंटेड पीपल जिन्होंने लिखी है, जो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड है, उन्होंने
दोनों ये बुक लिखी है एक आदमी ने। ज़्यादातर आप जो रेफरेंस बुक भी पढ़ते हैं वो एक से दो मैक्सिमम तीन राइटर ने लिखी होगी, बट ये बुक तो कई सारे लोगों ने चेक की है ना, अबाउट 50-40 टीचर्स ने चेक किया, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितनी पतली दिखती है सिंपल दिखती इतनी है नहीं, बहुत मेहनत से बनी। सो मैंने आपको बता दिया कि क्या आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आंसर मिलेंगे। अब कुछ कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। पहला जो आप टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी करेंट, ठीक है। आप पहले पढ़ेंगे टॉपिक दैट विल बी कॉल्ड एज करेंट, करेंट यहाँ मैं लिख देता हूँ, करेंट जो होगा आपका पहला टॉपिक हो करेंट, ठीक है। करेंट के बारे में आप लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप लोग पढ़ेंगे कि करेंट जो है ये फ्लो कहाँ करता है, कहाँ फ्लो करेगा, मेरे हाथ में फ्लो करेगा, इस हाथ में मैं करेंट फ्लो करा दूँ क्या, नहीं ऐसा नहीं होगा। करेंट फ्लो इज इन अ सर्किट, फ्लोज है ना वेयर सर्किट, करेंट फ्लोज है ना सर्किट, सर्किट में फ्लो करता है। तो सर्किट क्या होता है ये भी हम जानेंगे, उससे पहले हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। कंडक्टर आर द वॉट, कंडक्टर द सब्सटेंस विच ईजिली हेल्प्स इन फ्लो ऑफ करेंट, ठीक है। करेंट को फ्लो करने के लिए अगर वो पाथ दे रहा है अच्छे से आराम से दैट इज़ कॉल्ड एज कंडक्टर, और अगर नहीं दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज इंसुलेटर। सिंपल सी बात है ना, इंसुलेटर वही चीज़ है जो इंसुलेट करे, रोक दे, इनहिबिट करे या रोक दे, ठीक है, प्रमोट ना करे, एंड कंडक्टर प्रमोट्स द करेंट, ठीक है। यही ध्यान रखिएगा बात, सिंपल। तो मैं रीड करूँगा, ध्यान रखिएगा, आपके पास भी बुक हो, मेरे पास मेरे मुझे लगता है कि आपके पास बुक होगी, तो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर फैमिलियर विथ एयर करेंट एंड वाटर करेंट, वी नो डैट द फ्लोइंग वाटर वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करेंट्स इन रिवर, ठीक है। तो जो वाटर करेंट और एयर करेंट के बारे में लोग बारे में जानते हैं, करेंट मतलब फ्लो, ठीक है। सिमिलरली द इफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर वी से डैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करेंट इन द कंडक्टर, ठीक है। तो अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा देन इट इज़ कॉल्ड एज दैट इन देन इट इज़ कॉल्ड एज वट करेंट, ठीक है। तो करंट की डेफिनेशन क्या होगी, पहली बात तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो करंट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, या इसको सिंपल सा बोला जाए तो बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा, सिंपल एंड बेसिक डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन और मिलेंगी अच्छी अच्छी, बट द बेसिक डेफिनेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि करेंट डेफिनेशन इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो तो आप जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता था, डी ए बाई टी क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट इज वॉज वेलोसिटी, एंड वॉट वॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डैट वॉज एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखिएगा यहाँ मैं बात किसकी कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ, देन आई एम टॉकिंग अबाउट वन अपॉन टी, ठीक है, वो क्वांटिटी की। जैसे अब यहाँ बोल रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो यहाँ चार्ज लग दिया अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देन इट इज़ वी बाई टी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दैट इज डी बाई टी। सो ये एकदम क्लियर रखिएगा, एकदम सिंपल बेसिक डेफिनेशन यही है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करेंट, एंड इट्स सिंबल इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आई, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपका सिंबल है, ठीक है। तो बेसिक बेसिक आपको क्या क्या जानकारी चाहिए होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। व्हाट यू नीड टू नो इज दैट कि आपको पता होना चाहिए इसका क्या है आपका सिंबल, दैट इज़ आई, ठीक है। व्हाट इज़ द सिंबल, सिंबल इज़ आई, ठीक। देन इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, वेयर Q इज़ द चार्ज, ठीक है, चार्ज होगा आपका, और T आपका क्या होगा, टाइम, टाइम किस में होगा, सेकेंड में होगा, ठीक है, एंड चार्ज किस में होगा आपका, कूलम में, कूलम, ठीक है, कूलम जो यूनिट होती है आपका, जो चार्ज होगा दैट विल बी इन कूलम, ओके, इट विल बी इन कूलम, कूलम की स्पेलिंग एकदम आपको करेक्ट याद होनी चाहिए, ओके। सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल आप ध्यान रखिएगा। तो फिर से बता रहा हूँ, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रख दीजिएगा, ठीक। सेकंड चीज़ जो आपकी आती है दैट इज सर्किट, व्हाट इज सर्किट, आपने फिल्म देखी होगी अगर मुन्ना भाई ना, तो उसमें सर्किट जो था, बट यहाँ वो सर्किट की बात नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। सो एक जो आपकी बुक में डेफिनेशन दी है, बुक अपने साथ रखिएगा, अभी मैंने एक दूसरी वीडियो अपलोड की थी, उसमें जब मैं रीड कर रहा था तो उसमें जो करेक्टर थे वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप जानते हैं कि जो हम लोग का पूरा नेट जो है वो एचडी क्वालिटी में हो गया, तो मतलब अगर अगर लिमिट 720 तक जाती थी तो 720 नहीं आ रही है, 480 ही मैक्सिमम लिमिट है, तो उसकी वजह से करेक्टर जो बुक के हैं वो एकदम करेक्ट नहीं आ रहे, इसलिए मैं आपको अपनी कॉपी में बताऊंगा, यू शुड हैव अ बुक, आप अपने साथ जब भी ये वीडियो लेक्चर देखें या खुद भी पढ़ें तो बुक को साथ में रख के ही पढ़ें, ठीक है। तो वहाँ डेफिनेशन ये लिखी है कि इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, ठीक है, इट इज़ मोर स्पेसिफिक, ठीक है, लेकिन एकदम बेसिक यही कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ फिर से मैं प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ कि क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, जैसे जो करंट है, करंट इज एक्सप्रेस्ड
एक्सप्रेस्ड कैसे, एक्सप्रेस मतलब आपका क्या लग गया, इज इक्वल टू एक्सप्रेस्ड, इट इज एक्सप्रेस द चार्ज, फ्लोइंग ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज का क्या है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, एरिया पर्टिकुलर है और यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम है चार्ज इन, तो मतलब वही है, आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करिए या ये कहिए, दैट इज बेसिक फॉर्मूला आपको सारा होना चाहिए। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, सिंबल इज वॉट, सिंबल इज आई, फॉर्मूला इज वॉट, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वेयर चार्ज इज चार्ज, क्यू इज चार्ज एंड यूनिट इज सी एंड टी इज वॉट टाइम। देखिए बुक में आपके क्यू को स्मॉल क्यू लिखा गया है तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ योर कंसर्न, कोई प्रॉब्लम, और यहाँ स्मॉल टी लिखा है तो दैट इज नॉट द थिंग, ठीक है, आपको उससे परेशान नहीं होना है, फॉर्मूला आपका बेसिक हो तो आपको सिंबल पता है, सिंबल ध्यान रखिएगा, करेंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द सिंबल इज आई विच इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वेयर क्यू इज चार्ज, यूनिट इज कूलम, टाइम, तो अगर आपको अगर बेसिक पता चले तो कूलम अपॉन सेकेंड, कूलम अपॉन सेकेंड यूनिट होनी चाहिए, कूलम पर सेकेंड, बट दिस इज अ यूनिट, बट जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इज वॉट, एम्पेयर, एम्पेयर, ठीक है, ए एम पी ई आर, ध्यान रखिएगा एम्पेयर होती है यूनिट, एम्पेयर यूनिट होती है, करंट किस में नापा जाता है, एम्पेयर में, ओके सो अभी मैं आपको सर्किट के बारे में बताऊंगा, फिर देन आई विल गो उसके बारे में और थोड़ा एलोबरेट करेंगे, करंट और कम एमीटर क्या होता है, फिर और क्या यूनिट क्या एम्पेयर ही यूज़ करते हैं या कुछ मिली एम्पेयर होता है, कुछ ऐसा कुछ होता है क्या, तो उसके बारे में बात करते हैं, फिर पहले देखिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो सर्किट क्या होता है, दिस इज योर सर्किट, बेसिक सर्किट है, यह क्या होता है, यहाँ आपको रिप्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा, अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको, अभी आप इतना जान लीजिए कि दिस इज अ बल्ब, अगर मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, दिस इज अ बल्ब, ठीक, दिस इज एम मीटर, क्या है ये, एम मीटर, एम मीटर, ठीक है, एम मीटर, मीटर जैसे बिजली का मीटर होता है वैसे एम मीटर, अब आपको नाम से थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि ये एम्पेयर, ये एम मीटर, ये एम्पेयर, ये एम मीटर, तो ये एम मीटर जो है इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू वॉट, मेजर द करेंट, ठीक है, अ डिवाइस यूज टू मेजर, टू मेजर करेंट, ठीक है, करेंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है, राइटिंग के लिए धन्यवाद राइटिंग पता है मुझे बहुत अच्छी है। सेकंड थिंग इज व्हाट, मैं इस साइड से आ रहा हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग क्लॉकवाइज, तो बल्ब, यू नो द बल्ब, यू नो द एमीटर, और ये क्या है, नीलन, क्या है नीलन, दैट इज अ वायर, इट इज अ कंडक्टर, कॉपर वायर, कोई भी वायर हो सकता है, ठीक है, ये एम्पेयर, एम्पेयर एमीटर, एंड देन वी कम टू द की, की और स्विच, स्विच कहते हैं, ध्यान रखिएगा, तो बुक में तो आपको सब कुछ दिया है, स्विच की डेफिनेशन भी दी है, स्विच मेक्स अ कनेक्टिंग कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब, ठीक है, तो ये सेल और आपके सेल, सेल दिस इज सेल और बल्ब के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक बन रहा है, अगर इसको मैं हटा दूं, तोड़ दूं, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, इट विल नॉट बी अ कंटिन्यूस फॉर्म, और कनेक्ट करंट हमेशा कंटिन्यूस में घूमता है, ठीक है, यहाँ से चलेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यू कैन सी द डायरेक्शन ऑल्सो, आई हैव मेड द डायरेक्शन, ठीक है, तो ये आपका हो गया, आई क्या है, आपका करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, दिस इज वॉट योर, दिस इज योर बैटरी, ठीक है, दिस इज योर बैटरी, अच्छा बैटरी और सेल में अंतर क्या होता है, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड द सेल, तो सेल क्या होता है, एक सिंपल, सिंपल आपका एक सेल हो गया, ठीक, दिस इज योर सेल, दिस इज द, जो बड़ा वाला रीजन होता है ये होता है पॉजिटिव और जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव, आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। बैटरी में क्या होता है कि यहाँ इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल, ठीक है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मोर देन वन सेल, ठीक है, एक लगाया फिर ये देखो ये लगाया फिर ये देखो ये लगाया फिर देखो ये लगाया, आपकी मर्जी आप जितना लगाइए, ठीक है, टर्मिनल आपकी यही दूंगे, टर्मिनेट, टर्मिनेटर आप जानते हैं ना, टर्मिनेटर, तो टर्मिनेट आपका देखिए यहाँ पॉजिटिव हुआ यहाँ टर्मिनेट नेगेटिव पे हुआ, तो दैट इज अ बैटरी, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ बैटरी, सेल इज सिंगल, ठीक है, यहाँ सिंगल चीज़ होती, तो अगेन आई एम मैं आपको सर्किट का पूरा डेफिनेशन बता देता हूँ, इट इज़ ए देखिए कंटिन्यूस है, टूटा है क्या कहीं, देखिए दो पॉइंट है सर्किट को, सर्किट को अगर मैं डेफिनेशन अगर बोलना चाहूँ तो सर्किट कैन बी डिफाइन एज टू थिंग्स, ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस है, इट इज़ वॉट, इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, ओके कॉन्टिन्यूअस, हाँ, अनदर थिंग इज वॉट, इट इज़ क्लोज्ड, क्लोज्ड पाथ, टू थिंग्स आर देयर इन दैट बेसिक डेफिनेशन, सर्किट इज़ कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूस मतलब टूटे ना, कॉन्टिन्यू रहे, ठीक है, चलता रहे, और क्लोज्ड है, ठीक है, बंद है, तो बंद भी है और चलता भी है, चलता भी रहेगा, कॉन्टिन्यूस भी है, तो देखिए यहाँ से चला 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 इधर आ गया और बीच में कहीं भी ये टूटा नहीं, अगर मैं इसको तोड़ देता तो, अब देखिए ये वाली स्विच और एक और स्विच होती है, दो टाइप की स्विच होती है, एक तो यहाँ बनी हुई है जो, ठीक, ये है, ये है ओपन, ठीक है, ओपन में करंट नहीं फ्लो हो रहा, मतलब यहाँ कोई लगा ही चीज़ नहीं है, तो ये ओपन है, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ डॉट बनाया, दैट इज़ क्लोज्ड एंड इट इज़, यू नो इट इज़ ओपन, द अनदर थिंग इज़ कि यहाँ एक और तरीका होता है कि एक ये ऐसे रखते हैं, ठीक, एक ये, एक ये, तो ये क्या है अभी, ओपन, अगेन इसको क्लोज कैसे करूँगा, बस ये को मैं इसको थोड़ा चिपका दूंगा, अब थोड़ा सा मैंने थोड़ा वो कर दिया, मैं इधर बना दे रहा हूँ, कि उस डॉट को हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे,
ठीक ऐसे दिखा देते हैं कि वो दोनों डॉट जो क्या है एक दूसरे पे आ गए हैं, दैट इज़ अ क्लोज्ड, दिस इज ओपन. तो बेसिकली आपको बुक में, एनसीईआरटी बुक में यही रिप्रेजेंटेशन दिखेगा. यू कैन कंसिडर दैट ऑल्सो, ठीक है, दैट इज नॉट अ बैड थिंग. तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस, ठीक है, आप पूरा आराम से समझिएगा. हिंदी इंग्लिश आई एम टॉकिंग बोथ बाइलिंगुअल, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. फिर से मैं बता रहा हूँ व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, मैंने आपको बताया कि किस क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्या नहीं पढ़ेंगे. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सब पढ़ेंगे कि हाउ इज इलेक्ट्रिक करेंट फैक्टर्स रेगुलेटिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है. फिर हम पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशन, अभी मैंने स्टार्ट कर दी है, जैसे धीरे धीरे आपको करेंट के बारे में बताया, सर्किट के बारे में बताया, ओके, धीरे धीरे आपको मैंने सर्किट के बारे में बताया, धीरे और आगे बढ़ेंगे. कंडक्टर बताया, व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर, ये आपको बेसिक पहले से पता होना चाहिए था वैसे. फिर आपको मैंने फॉर्मुला बताया, दैट इज आई बाई क्यू बाई टी, ठीक है, टी इज वॉट द टाइम इन सेकेंड एंड क्यू इज द चार्ज इन कूलम, या यूनिट इज वॉट एम्पेयर, ठीक है, यूनिट क्या होती है, एम्पेयर होती है, ध्यान रखिएगा, द यूनिट इज़ वॉट एम्पेयर. फिर मैंने आपको सर्किट के बारे में बताया, इलेक्ट्रिकल सर्किट, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आपको डेफिनेशन आना चाहिए, बुक में डेफिनेशन है, अ कंटिन्यूस एंड अ क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. फिर से मैंने बताया कि आपको दो ही पॉइंट जानने हैं, इट इज़ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज, कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज सिंपल. ऐसा यूनिट ऑफ करेंट इज वॉट एम्पेयर, ठीक है. फिर आपको मैंने बताया कि I इक्वल टू क्यू बाई टी. फिर इसको मेजर कैसे किया जाता है, तो एमीटर, जैसे आपका वेट है, आपको वेट कैसे मेजर करते हैं, वेटिंग मशीन से. सिमिलरली एम्पेयर करंट को कैसे मेजर करते हैं, एमीटर से. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं करंट को, I से. अब इट इज ऑल अबाउट करंट. करंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और वी कैन ऑल्सो से इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, ठीक है. और करंट फ्लो किसमें करेगा, इंसुलेटर या कंडक्टर में, बताइए बताइए बताइए, कंडक्टर में फ्लो करेगा, दैट इज सिंपल, ठीक. इतना ही है आपके पास था अभी, जितनी बात मैं कर सकता था इन लिमिटेड टाइम, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट दैट. देख लीजिए एक बार फिर से, कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट नीचे करिएगा, और यू कैन कॉल मी, आपको नंबर मैंने, कॉल नहीं व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, आपको नंबर दे दिया. फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज मैंने आपको सब बताया. तो अगली क्लास में हम करंट के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, एमीटर के बारे में जानेंगे, एमीटर को किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं या सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, मिली एम्पेयर क्या होता है, न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, देन वी विल गो ऑन टू पोटेंशियल, ठीक है, थैंक यू.